शाहरुख खान, SRK, इनका आज बर्थडे है। 2 नवंबर 2022 को 57 साल के हो गए शाहरुख खान। और किसी व्यक्ति को, शाहरुख खान का मैं कोई उस तरह से फ़ैन नहीं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंस्पायर करती हैं, अच्छी लगती हैं। द वे ही कम्युनिकेट्स, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, इंसान के तौर पे बड़ा इंटरेस्ट है उनके अंदर। एक्टर तो ठीक है, अच्छे हैं, पर बहुत ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टर मैं नहीं मानता। मगर एक इंसान के तौर पर किसी व्यक्ति को जानने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि उसके करीब के लोग क्या कहते हैं और लोग उसके साथ कितने सालों तक रहते हैं। तो इसी संबंध में हम देखेंगे कुछ ये वीडियो क्लिप जिसमें उनके साले विक्रांत के साथ बातचीत है, और किस तरह से ये उस तरह के एक ग्रुप में थे जहाँ गौरी के भाई विक्रांत भी उस लड़कों के समूह, दोस्तों के समूह में थे, और ये लोग हॉकी खेला करते थे। तो आइए देखते हैं गौरीज इसको। ब्रदर एंड शाहरुख ब्रदर इन लॉ विक्रांत। मैं बताना चाहूंगा, विक्रांत पहली बार टीवी पर आए हैं और उनका ये कहना था शुरुआत से, और अभी भी यही कहते हैं कि बच्चू तू बच गया है, अगर मैं टीवी पे एक्टिंग कर सकता ना तो तू साले कभी हीरो नहीं बनता था। नहीं, ऐसे है कि हमारे मैचेस होते थे एक मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि विक्रांत ये स्टोरी बताएगा आप लोगों को, और जो सच्ची स्टोरी है वो मैं बताऊंगा। इसका एक वर्जन है, मेरा एक वर्जन है। वर्जन कुछ भी हो पर जो फैक्ट है वो मैं ही बताऊंगा। हाँ, तो हमारे मैचेस होते थे एंड हॉकी टीम होती थी, हमारी बेस्ट टीम होती थी, मैं स्कूल में था। मैं बीप बीप कर सकता हूँ कि झूठ जब बोल रहा है। मेरी बेस्ट टीम होती थी। कौन सी बेस्ट टीम होती थी? तेज रहते थे तो हमारा ये रहता था कि इनको मार्क कैसे करना है, तो आई वॉज टोल्ड टू इनको मार्क। मेरे को आइडिया था ये कि वही है, ये रेड कलर की निक्कर पहनते थे, निक्कर पहनते थे, तो ये फिर जैसे गोल करने के लिए भागते थे, तो मेरे को ये ऑर्डर्स थे कि इनके गिट्टों को तोड़ना है। गिट्टे मींस एंगल्स, एंकल्स को तोड़ दूंगा आज। आपको पता था कि ये गौरी के भाई हैं? हाँ, इसलिए मैंने सिर्फ 5 गोल किए, वरना 20 गोल मारता। और मैं इनके साथ थे कुछ चार दोस्त, सी गैंग, जो कि हम वीडियो क्लिप आपको शो कर रहे हैं। ये है जीना, इसी का नाम है, फारूक शेख, जिसको प्रस्तुत करा करते थे उस शो का, स्टार प्लस पे आया करता था। तो आप इसमें देखेंगे कि ये इनके चार दोस्त किस तरह से इनके साथ अपनी दोस्ती के दिन बात करते हैं, और आपको वो चीज़ें इधर रिलेट करती हुई दिखाई देंगी। उनकी कुछ दोस्त जो कि इनकी भी दोस्त थी, कॉमन फ्रेंड कह सकते हैं आप, और गौरी की भी दोस्त थी, उनको देखिए वो क्या बोलती हैं। शाहरुख खान खान के जो ससुर हैं वो आए हुए हैं इसी का नाम जिंदगी शो पे, तो वो शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं। खान के ससुर साहब छिब्बा साहब, कर्नल छिब्बा साहब क्या कहते हैं। इसी के साथ साथ उनकी पत्नी यानी शाहरुख खान की सासू माँ वो क्या कहती हैं। हिस्ट्री, शाहरुख की मदर इन लॉ मिसेस सविता छिब्बा। सविता आंटी के, आपको लगता है कि शाहरुख जोरू का गुलाम है जो आपने अभी तक सुना है? आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस वर्ड जोरू का गुलाम। मेरे हस्बैंड जैसे थे वैसा ही है। जैसे आपके हस्बैंड थे, ही आल्सो लिसंस टू मी एवरीथिंग एंड सेम इज ही। तो गौरी ने इनकी मम्मी से सीखा है? हाँ, इन्होंने इनकी मम्मी से सीखा है, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। लेकिन सविता आंटी तो खुश होंगी क्योंकि हर माँ चाहेगी कि अपनी बे। आई एम वेरी लकी, आई हैव अ सन इन लॉ लाइक दैट हु इज द अंकल। खुश है कि नहीं? अंकल खुश है, खुशी होंगे तभी खुश रख रहे हैं। खुशी होंगे, और अगर नहीं खुश है तो मार मार के खुश कर देंगे यार। लेकिन आंटी, जब आप पहले अपोज थी शाहरुख से, तो व्हाट डिड शाहरुख डू, ऐसा शाहरुख ने क्या किया कि आपका मतलब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया? एक अच्छे इंसान को देख के कोई क्या हो सकता है, वही होएगा मेरा, बिकॉज़ ही इज सच अ गुड पर्सन। ने कब कब कौन से मोड पे अच्छे लगने लगे, जब पहली बार गौरी लेके आए? ही बिकेम माय सन इन लॉ That एक day. जिस दिन शादी हुई उस दिन अच्छा लगने लगा। पहले मैं बड़ा गंदा लगता था। बट विदाई के दिन क्या हुआ था शाहरुख? विदाई के दिन बड़ा फनी था, ये रो रही थी और इनके जो भाई हैं तेजेंद्र जी, मामा जी, वो बहुत इमोशनल हैं। वो इनसे भी ज्यादा रो रहे थे। अच्छा, अंकल भी रो रहे थे, सब रो रहे थे, तो मेरे को बहुत अजीब लगा क्योंकि मेरी पहली पहली शादी थी। तो रियली मैंने ऐसा पिक्चरों में देखा था, असली में हुआ नहीं। तो मैंने गौरी को बोला यार तू रुकी जा क्योंकि इतना रो रहे हैं, मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, तो तू यहीं रह जा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये लोग खुशी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ये रख लो गौरी को, मैं आ जाया करूंगा हफ्ते में सैटरडे संडे। ऐसा हुआ नहीं, वो एडजस्टमेंट मानी नहीं। तो तब से खान की सासू माँ के, जब फराह खान ने पूछा कि आप
कोई एडवाइस शाहरुख खान को दें, तो देखिए वो क्या कहती हैं। शाहरुख को कुछ एडवाइस देना चाहोगे आंटी? हम तो इसकी एडवाइस लेते हैं। मैं लेते हो आप लोग सब? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कभी कभार मेरी फिल्में अच्छी नहीं होती, बहुत बार नहीं होती, फ्लॉप हो जाती है, नहीं चलती है। अब मेरे को सबसे बड़ा टेंशन ये है कि आंटी जो इतनी परेशान हो जाती है वो किसे चल रही है? सारा पिक्चर बना लूगी है, उन्होंने आंधा पिक्चर बनाना बोलू ना, मैं तो देखा ही नहीं है कोई। फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर जब करण पिक्चर बना रहा था तो हम डिनर करने के लिए घर पे बैठे तो आया कहता ए मुंडा मैनू नहीं लगता है पिक्चर बना सकता है। हाँ इतने बड़ा स्वीट जे आएगा तो इन नहीं लगता है मैनू इधर कुछ टेंस यश चोपड़ा टाइप होना चाहिए है एकदम पावरफुल मैन। लेकिन आंटी ने मुझे कहा दैट माय मूवी इज हर फेवरेट। अभी सबको मेरे हर डायरेक्टर को यही बोलती है। तो विशाल वी सी अंकल्स बीटी आई नो SRK एवर सिंस दे गॉट मैरिड दे आर बोथ वंडरफुल कपल टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड लव ईच अदर दैट लव इज ए ग्रेट बाइंडिंग फैक्टर। शाहरुख इज ए वेरी इंडिपेंडेंट मैन एंड difficult to control mind wise but Gauri does control him. Yes, Yoru ka gulam you can say but all men are Yoru ka gulam. I think I myself am Yoru ka gulam if you ask me. इनकी जीन्स में है ये सब। हाँ, जो इनसे शादी करता है ऐसा हो जाता है। चल रही है काफी सालों से। आपकी मम्मी भी ऐसे थी। हस्बैंड माय सन इन लॉ आई एम सो लकी। आंटी ये बात सही है कि शादी से पहले शाहरुख काफी फेस्टिवल्स नहीं मनाता था बट आफ्टर मैरिंग गौरी जैसे मन्नत में होली पहली बार प्ले की गई बिकॉज गौरी लव्स होली। एक्चुअली मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली में हम होली मनाते थे। मेरी जो अपब्रिंगिंग है दिल्ली वालों की अपब्रिंगिंग थोड़ी मुंबई से डिफरेंट है तो जैसे दिवाली दशहरा होली इंटेग्रल पार्ट है दिल्ली के फेस्टिवल्स में तो हम बनाते थे। और क्या है क्योंकि हम लोग दोनों अलग रिलीजन के हैं हिंदू और मुस्लिम है फिर बच्चे भी हो गए आई थिंक एक बॉन्डिंग हो जाता है उससे कि यार हर किस्म के रिलीजन की दोस्ती हो जाती है तो प्यार हो जाता हमने है उससे। एक क्लिप बनाई है आपकी बॉन्डिंग की विच आई थिंक सबको देखना चाहिए बिकॉज आई थिंक ये नेशनल इंटीग्रेशन यही है शाहरुख। रिश्ते को पहचानने का एक इंसान को पहचानने की जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से शाहरुख खान के करीबी लोग उनको जज करते हैं पाते हैं कैसे इंसान है वो इसी संबंध में जब सवाल पूछा गया शाहरुख खान की सासू माँ से यानी गौरी जी की मम्मी से कि आप शाहरुख या गौरी में से कोई एक चुनना हो तो आप किसको चुनेंगी तो उनका जवाब सुनेंगे। सुना आंटी कि अगर आपको कभी चूज करना पड़े आप शाहरुख के साथ रहोगे या गौरी के साथ? शाहरुख के साथ। तू गुड शाहरुख के साथ। ये देखिए कि किस तरह से शाहरुख खान के दोस्त एक और दोस्त जो आए हैं वो ये बताते हैं कि उनका एक थोड़ा सा समय कैसा गुजरा जब वो मुंबई में थे कैसे एक दिन ज़बरदस्त घर में रह रहे हैं दूसरे दिन बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं और उसी दौरान शाहरुख खान का वो आइकॉनिक बातचीत के उन्होंने कहा था आई एम गोना रूल दिस सिटी और वो हुआ। तो शाहरुख खान को बहुत बहुत मुबारकबाद उनके जन्मदिन की उनके फैंस को मुबारकबाद। मिलते हैं अगले। ये देखिए कि किस तरह से शाहरुख खान के दोस्त एक और दोस्त जो आए हैं वो ये बताते हैं कि उनका एक थोड़ा सा समय कैसा गुजरा जब वो मुंबई में थे कैसे एक दिन ज़बरदस्त घर में रह रहे हैं दूसरे दिन बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं और उसी दौरान शाहरुख खान का वो आइकॉनिक बातचीत के उन्होंने कहा था आई एम गोना रूल दिस सिटी और वो हुआ। तो शाहरुख खान को बहुत बहुत मुबारकबाद उनके जन्मदिन की उनके फैंस को मुबारकबाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।